तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी मिलकर तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। ठाकुर जी के भिक्षा पात्र में कोई भी पैसे धन ना रखे, वो लीला है भले ही उनकी, पर वो भगवान है, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। तो महाराज कोई भी उनके भिक्षा पात्र में कुछ भी ना रखे। ठाकुर जी कहते हैं डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है डोल उठी है सारी धरती देख ले डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा वे आज तेरा मेहमान तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोलिए बाबा भगवान की। ठाकुर जी कहते हैं
आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर बस अपना, मान ले कहना। राजा सेवकों से कहते हैं कि उस बालक को ऊपर लेकर आ। सेवक जाते हैं, ठाकुर जी को ऊपर लेकर आते हैं। राजा कहते हैं, बताओ क्या मांगना चाहते हो? आज तो मन करता है अपना सब कुछ लुटा दूं। ठाकुर जी कहते हैं, पहले वचन दीजिए कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें वो देंगे। राजा बलि ने कहा, वचन की जरूरत नहीं, आपको जो मांगना है मांगो, नहीं पहले वचन दीजिए। अच्छा ठीक है, वचन देता हूं, जो मांगोगे मैं वो दूंगा। बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा कहते, 3 पग भूमि? एक तो खुद छोटे से बालक हो, छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग भूमि में कितना मिल जाएगा तुम्हें? अरे तुम कहो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे देता हूं। ठाकुर जी कहते, नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी सोचते, बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, देखू तो सरिये है कौन? नेत्र बंद कर कर देखते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं सामने। बलि बाबा भगवान की। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि से कि अपने वचन से मुकर जाओ। अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा बलि कहते, अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मेरे दर पर भगवान आए हैं मांगने कुछ। दी मैंने 3 पग भूमि, और ये बात कहते ही अब भगवान अपना आकार बढ़ाने लगे। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड तक पहुंचने के बाद अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। अब भगवान कहते हैं, तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा कहते हैं, एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? तो बोले दानी बड़ा। तो बोले तीसरा पैर मुझ पर रखो। भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। भगवान की।
जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, करो हरि दर्शन, 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 करो महाराज। इस प्रकार भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं। आइए आगे की कथा करें। राम जन्म, कृष्ण जन्म और कई प्रसंग हैं, उससे पहले कुछ सूचनाएं उन भक्तों के नाम जिन्होंने धर्म के कार्य के साथ साथ सेवा का कार्य भी किया है। उन कन्याओं के लिए कन्यादान स्वरूप सहायता करी है, उन सबके नाम, फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज, ठाकुर जी वामन अवतार ग्रहण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैं आपको इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूँ, जिसमें राजा नवग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अमरीश हुए। राजा अमरीश विष्णु भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे। एक बार वे एकादशी का व्रत करते हैं, स्नान करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, वहां उनकी भेंट होती है एक ऋषि से। उन्होंने उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की कि मैंने ब्राह्मण भोजन रखवाया है, कई ब्राह्मण देवता आएंगे, आपसे भी निवेदन है कि आप जरूर पधारे। वो ऋषि और कोई नहीं, दुर्वासा ऋषि थे। उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो समय है, मैं स्नान इत्यादि करके, पूजा पाठ कर मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। राजा अमरीश चले जाते हैं। अब यहां पर दुर्वासा ऋषि ने स्नान इत्यादि करके वो ठाकुर जी के पूजा में लगते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, समय का ध्यान नहीं रहता। अब यहां सभी ब्राह्मण पहुंच चुके हैं अमरीश राजा के घर पर, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब दुर्वासा ऋषि आए और तब राजा व्रत खोले। समय बीतता जा रहा है और ऋषि ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो चुके हैं। जब काफी समय हो जाता है, तब जो वहां पर ब्राह्मण देवता आए हुए थे, वो राजा अमरीश से कहते हैं कि अब आपको व्रत खोल लेना चाहिए, बहुत समय हो गया है, ये समय भी बीत गया, फिर व्रत रखना ना रखना एक मतलब का होगा। ठीक है, सबके कहने पर वो तुलसी का दल मुख में रखते हैं। मुख में रखते ही दुर्वासा ऋषि का आना होता है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं कि एक तो मुझे न्योता दिया और मेरे आने से पहले व्रत खोल लिया। क्रोधित होकर अपनी जटा निकालते हैं, उसमें से कृत्या नामक एक राक्षसी निकलती है। उसे कहते हैं कि राजा की हत्या कर दो। अब राजा वहां से भागे नहीं, डरे नहीं, चिल्लाए नहीं, सैनिकों को नहीं बुलाया, वो नेत्र बंद कर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं। वहीं खड़े हुए भगवान को याद करते और पीछे से सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है। कृत्या का तो उद्धार करते ही अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे जा रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते विष्णु भगवान के पास जाते कि प्रभु अपने चक्र को रोकिए। ठाकुर जी कहते हैं जब मेरे भक्तों के साथ कोई अन्याय करता है ना, तो ये चक्र मेरी भी नहीं सुनता, अपने आप जाने लगता है। अब इसे मैं नहीं, सिर्फ राजा अमरीश रोक सकते हैं, आप उनके पास जाइए। अब दुर्वासा ऋषि उनके पास जाने लगते हैं, माफी मांगने लग रहे हैं कि अमरीश राजा उनके चरणों में गिर जाते हैं। ये दिन देखने से पहले मेरी मृत्यु आ जाए। अब जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित को थोड़ा अटपटा लग रहा था।